हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा 9th of May के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। सो आज के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और उसके बाद साथ ही में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF अवेलेबल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं, और ऑलवेज की तरह हम शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट से। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब तक आपका देखिए काम पूरा ना हो, तब तक उस पर आप वर्क करते रहें। ऐसा अगर आप थक भी गए हैं तो आप धीरे धीरे काम को कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, बट रुके नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार रुक गए तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपने सपना देखा है। सो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट डे की। सो देखिए, हमारे कल इम्पॉर्टेंट डे रह गए थे, उनको हम डोंट वरी कवर आज कर लेते हैं। सो पहला इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जो कि 8th of May को मनाया जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। 8 मई को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हेनरी ड्यूनेंट, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था 8th of May 1828 को, और इसकी इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। पहली बार रेड क्रॉस डे मनाया कब गया था, 1948 में। अब इसके देखिए 2024 की थीम क्या रही है, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। तो ये रही है इसकी 2024 की थीम। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डे है, जो कि है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये भी मनाया कब जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। इसका मेन मनाने का उद्देश्य है थैलेसीमिया रोग जो है इसके बारे में अवेयर करना लोगों को, इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स, भाई इसके क्या क्या निवारक उपाय हैं उनके बारे में लोगों को समझाना, और दुनिया भर के लोगों के बीच जो इसका ट्रांसमिशन है यानी जो संचरण है उसको रोकने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है थीम। इसकी थीम रही है एम्पावरिंग लाइफ, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो ये इसकी रही है फ्रेंड्स 2024 की थीम। अब आएंगे फ्रेंड्स हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज की। सो मई के चलिए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तो रेगुलर बेस पे हम थोड़ा सा रिविज़न भी करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपको देख के याद हो जाएंगे। 1st of May को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर डे। 3rd of May को देखिए सेलिब्रेट किया गया है प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी थीम रही अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। उसके बाद 4 मई को मनाया गया कोल माइनर्स डे, 4 मई को ही आता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल लाफ्टर डे। 7 मई को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और इस बार 7 मई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड एस्थमा डे। जनरली वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है मई के पहले ट्यूसडे को, और इसकी थीम याद रखना एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। सो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024, द कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन विच सिटी। सो देखिए, अरेबियन ट्रेवल मार्ट के दौरान पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कहाँ पे कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान को शुरू किया गया। तो ये अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है, दुबई में। तो दुबई में टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा इस कैंपेन के बारे में बात करते हैं, तो ये कैंपेन जो है हाईलाइट करता है लेसर नोन बट रिफ्रेशिंग डेस्टिनेशंस को, ऐसी डेस्टिनेशन जो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को कम पता है, तो उन सभी डेस्टिनेशंस को ये हाईलाइट करता है अरेबियन ट्रेवल मार्ट में। द डिजिटल कैंपेन चैलेंजेस द परसेप्शन ऑफ इंडिया बीइंग टू हॉट फॉर ट्रेवल इन समर्स एंड हाईलाइट ऑफरिंग इन हिल रिजोर्ट, जिसमें इंक्लूडिंग है हिमालयाज, क्योंकि समर्स में अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस परसेप्शन को देखते हुए, उस चैलेंजेस को देखते हुए, ऐसी जगह जो हिल रिसोर्ट्स हैं या जो ठंडी जगह हैं उन सभी जगह को ये हाईलाइट करता है इस डिजिटल कैंपेन में, उन सभी जगहों को हाईलाइट
किया गया है। सो ये जो अरेबियन ट्रैवल मार्ट था ये कहाँ पे हुआ था, तो सिंपल याद रखेंगे ये हुआ था फ्रेंड्स दुबई में, और इसी दौरान कूल से समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, इन द लास्ट डिकेड नेपाल्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज डैश पर ईयर। सो अगर पिछले दशक की बात करें तो नेपाल की जनसंख्या वृद्धि में कितने प्रति वर्ष थी, तो नेपाल की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 0.92% पर ईयर, यानी सिर्फ एक साल में कितनी इंक्रीज़ हुई है, 0.92% इंक्रीज़ हुई है नेपाल की पॉपुलेशन। सो पिछले 8 दशक से, पिछले 8 डिकेड से नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो रजिस्टर की गई है कि यहाँ पे लोएस्ट ग्रोथ रेट रहा है, सबसे कम वृद्धि दर रहा, और नेपाल की जो करंटली पॉपुलेशन है वो है 29.2 मिलियन। सो याद रखेंगे ग्रोथ रेट इसका याद रखिएगा कितना है, 0.92% का। नेपाल जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के रामचंद्र पौडेल। नेपाल से देखिए इंडिया के कितने स्टेट्स लग रहे हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री फोर्सेस विल कंडक्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एक्सरसाइजेस, किस देश की सेनाएं सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करेंगी, तो ये अभ्यास करेंगी रशिया देश, तो रशिया की फोर्स जो है ये कंडक्ट करेंगी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एक्सरसाइजेस को। तो यूक्रेन के इन्वेजन के बाद ये पहली बार है देखिए जब रशिया ने पब्लिकली अनाउंस किया है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। अच्छा, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या है, तो इसके बारे में अगर बात करें इसमें इंक्लूड होते हैं द यूज़ ऑफ एयर बॉम्ब्स, वॉरहेड्स फॉर शॉर्ट रेंज मिसाइल, आर्टिलरी म्यूनिशंस फॉर द बैटल फील्ड। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में हवाई बम हो गए, कम दूरी की मिसाइलों के लिए हथियार, और युद्ध के मैदान के लिए जो तोपखाने हैं, ये सभी हथियारों का उपयोग जो है वो इसमें शामिल होता है, तो उनको कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और रशिया जो है इनको क्या करने वाला है, इनके एक्सरसाइजेस जो है वो अपने कंडक्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू एक्सटिंग्विश द फॉरेस्ट फायर नियर नैनीताल इन उत्तराखंड। सो भी भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। सो बहुत ही देखिए भयानक तरीके से नैनीताल के पास जो है जंगल में आग लग रही है, लग गई, जिसको बुझाने के लिए भाई इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन शुरू किया, और उस ऑपरेशन का नाम दिया है बम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। और लोकेशन क्या है, नैनीताल के पास जो है ये फॉरेस्ट में फायर यानी आग लगी है। सो इंडियन एयरफोर्स ने इस आग को बुझाने के लिए इस ऑपरेशन के तहत जो कि है बम्बी बकेट ऑपरेशन, उसके लिए अपने MI-17B5 हेलीकॉप्टर्स जो है इसको डिप्लॉय किया है यानी तैनात किया। तो हेलीकॉप्टर का नाम भी इम्पॉर्टेंट है कि इस ऑपरेशन के लिए या यहाँ पर हेल्प करने के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया है, तो उस हेलीकॉप्टर का नाम है MI-17B5। कुछ अदर ऑपरेशंस की बात करें जो कि अभी हाल ही में देखिए न्यूज़ में रहे थे, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ये ईरान ने लॉन्च किया था इसराइल के अगेंस्ट। इसके बाद बात करें ऑपरेशन अजय की, तो ये इसराइल में इंडियंस को इवैक्यूएट यानी बाहर निकालने के लिए इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया था सूडान देश से इंडियंस को बाहर लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा चलाया गया था जो म्यांमार में साइक्लोन आया था उस वहाँ पे हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था। ऑपरेशन दोस्त क्यों शुरू किया था, तो टर्की में जो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे हेल्प करने के लिए शुरू किया था ऑपरेशन दोस्त। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टार्टअप ऑफ IIT मद्रास हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिया मेड हाई परफॉर्मेंस SoC यानी सिस्टम ऑन चिप। तो IIT मद्रास का देखिए स्टार्टअप है जिसने पहला भारत निर्मित उच्च प्रदर्शन SoC जो है इसे लॉन्च किया है। तो इस स्टार्टअप का नाम क्या है, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज। ये भी पूछ सकते हैं कि ये माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज किस IIT का स्टार्टअप है, IIT मद्रास का।
सो जो इस सिस्टम ऑन चिप है ये कंबाइन यानी जोड़ता है मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट इनटू वन चिप लाइक अ मिनी कंप्यूटर। सो ये मिनी कंप्यूटर की तरह कई सारे इलेक्ट्रॉनिक भागों को एक ही जो है चिप में जोड़ता है, और इसे ही पूरी तरह से इंडिया में ही इसको बनाया गया है, इसे डेवलप किया है आईडी मद्रास के स्टार्टअप माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट आईटी न्यूज़ के बारे में। सो भी देखिए, इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट जो है, इस यूनिट को किसने बनाया? आईटी गुवाहाटी ने। ADIF और आईटी गुवाहाटी इंक्यूबेशन सेंटर ने एक MOU साइन किया टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। सी डॉट और आईटी जोधपुर ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन नेटवर्क ऑफ 5G। इसके अलावा BEL और ने MOU साइन किया IIT मंडी के साथ में रिसर्च में सहयोग के लिए। AFMS ने पार्टनरशिप करी IIT कानपुर के साथ मिलकर टू एड्रेस हेल्थ केयर चैलेंजेस फॉर शोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज सिक्योर्ड द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर? तो कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसने लगातार दूसरे वर्ष भारत में देखिए सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? लगातार दूसरी बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सबसे आगे रहा है क्वांट पावर। सिंपल आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्कूल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव? तो किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो है इसे शुरू किया है? इस पहल को मणिपुर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, इन्होंने इस इनिशिएटिव को, स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव का या इस पहल का उद्देश्य क्या है शुरू करने का? तो स्टेट में देखिए साल भर चल रहे जो भी देखिए जातीय संघर्ष हुए हैं, जो भी एथनिक स्ट्राइव जातीय संघर्ष है, उस संघर्ष के बाद रिलीफ कैंप्स जो राहत शिविर हैं उसमें शरण लिए हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। सो जो भी देखिए रिलीफ कैंप्स में जो बच्चे रह रहे हैं, स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव को मणिपुर सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत देखिए अंडर दिस द स्कूल बस इक्विप्ड, जिसमें लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर्स होंगे, स्पोर्ट्स आइटम होंगे, वुड विजिट डिफरेंट कैब्स कैंपेन्ड बाय अ टीचर। अलग अलग कैंपेन्स में स्कूल बसेस ये रहेंगी, उसमें टीचर भी रहेंगे, जिसमें बच्चों को लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर्स भी होंगे, स्पोर्ट्स आइटम्स भी होंगे, जिनके थ्रू उनको एजुकेशन दी जाएगी। मणिपुर की बात करते हैं, कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है, तो जल्दी से चलिए आप मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए फटाफट से कि आयुष मंत्रालय करंट में किसके पास है। सुबोध कुमार की बात करते हैं। सो ये फाइन 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं तमिलनाडु काडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वीजा हैज़ अपॉइंटेड होम एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया? डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जो वीज़ा है, देखिए वीज़ा ने किसे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? तो वीज़ा ने अपॉइंट किया है सुजाई रैना को। इसी के साथ बात करेंगे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अपॉइंटमेंट्स को। तो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल बने मोहम्मद रिहान, GST एप्लिटेट ट्रिब्यूनल के हेड बने संजय कुमार मिश्रा, रिमाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने गौतम हरी सिंघानिया, नेशनल जूट बोर्ड के सेक्रेटरी बने शशि भूषण सिंह, आकाशवाणी न्यूज़ यानी ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल बनी है मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2024 पुलित्ज़र प्राइज़ इन इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर द जर्नलिज्म? पत्रकारिता के लिए खोजी रिपोर्टिंग कैटेगरी में देखिए जो खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी है उसमें पुलित्ज़र प्राइज़ किसने जीता है? तो इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है हैना ड्रियर को।
पुलित्जर प्राइज़ जो है फ्रेंड्स ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूज़िकल कंपोजिशन। तो इन सभी क्षेत्र में जो भी अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उसके लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अगला है, विच बैंक हैज़ रिकग्नाइज्ड एज द बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 बाय किनसेंट्रिक फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष किनसेंट्रिक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन से बैंक को दी गई है मान्यता? DBS बैंक इंडिया को। DBS बैंक की बात करें तो ये एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है एशिया में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हु हैज़ वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 फॉर द बुक ब्यूटीफुल। द बुक ब्यूटीफुल के लिए देखिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये प्राइज़ जीता है भावी मेहता ने। तो यहाँ पे बुक का नाम ज़रूर याद रहेगा कि किस बुक के लिए उन्होंने प्राइज़ जीता है, द बुक ब्यूटीफुल के लिए। और ये कौन सा एडिशन था इस प्राइज़ का? 9th एडिशन था। कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की बात करें तो अभी हाल ही में देखिए यूनेस्को गुलरमो कैनो वर्ड प्रेस प्राइज़ 2024 ये मिला है सभी फलस्तीन जर्नलिस्ट को। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं ये अवार्ड मिला है असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2024 मिला है आलोक शुक्ला को। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई वी कामत। और 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड किसे मिला? जीना जस्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द 36th स्पैनिश लीग टाइटल। सो देखिए अभी जो स्पैनिश लीग हुई थी ये 36th एडिशन हुआ था इस बार इस लीग का, और एक खिताब किसने जीता? तो इस बार ये लीग जीती है रियल मैड्रिड ने। सो रियल मैड्रिड जो है इन्होंने जीती है 36th स्पैनिश लीग टाइटल। सो गिरोना द्वारा बार्सिलोना को जब हराया था उसके बाद रियल मैड्रिड को विजेता घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी। क्वेश्चन ने पूछा है कि बिहार का कौन सा जिला है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? आंसर इज भागलपुर। सो भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से फेमस है। नेक्स्ट, हु फॉर्म्ड बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? राइट आंसर हमारा है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। सो इन्होंने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन बिहार। बिहार में देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है कहाँ हुआ था? राइट आंसर इज पटना। सो फ्रेंड्स 1912 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जो पहला अधिवेशन है, पहला कांग्रेस सेशन बिहार में, वो पटना में आयोजित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। सो गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया? सही आंसर है राजकुमार शुक्ला। सो राजकुमार शुक्ला ने ही आमंत्रित किया था गांधी जी को चंपारण में। नेक्स्ट है, विच हिंदी जर्नल वॉज पब्लिश्ड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी हिंदी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो इस पत्रिका का नाम क्या है? हुंकार। और इसको किसने पब्लिश किया था या इसको किसके द्वारा देखिए प्रकाशित किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सो फ्रेंड्स स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी हो गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो 8 मई के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली देखिए रिसर्चर्स ने वर्ल्ड के सबसे गहरे डीपेस्ट ब्लू होल जिसका नाम है टामजा ब्लू होल, इसको अभी डिस्कवर किया है कौन सी कंट्री में? सही आंसर है फ्रेंड्स मैक्सिको में। इसके बाद देखिए जोस राउल मोलिनो ये भी किस कंट्री के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर इज पनामा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैग ऑफ इंडिया एंटी डैश साइन अ पैक्ट टू इंक्रीज कोलैबोरेशन इन ऑडिटिंग।
सो भारत के कैग और किसने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? सही आंसर है ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल। फ्रैंक श्रोंट, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, किस कंपनी के फॉर्मर सीईओ थे? तो ये बोइंग कंपनी के रहे थे फॉर्मर सीईओ। अंडर विच इनिशिएटिव थॉमस कुक इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वीडियो केवाईसी फॉर इट्स रिटेल फॉरेन एक्सचेंज कस्टमर्स फॉर अ सेफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस? तो इसके लिए थॉमस कुक इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया? इनिशिएटिव का नाम है अब फॉरेक्स घर बैठे। इसके बाद देखिए, अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये भी अभी रिवाइज भी किया था, मोहम्मद रिहान। इसके बाद देखिए, जापान हैज़ वॉन द मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप फॉर द सेकेंड टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री? जापान किस देश को हराकर दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता? तो जापान ने इसमें किसे हराया है? उज्बेकिस्तान को। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं हम कल टेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में, उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पर ये सभी ज़्यादा नाम में ही छुपा हुआ, ये चाइना में ही, चाइना किस देश के होकर हज़ारों मीलों तक फैली हुई है? चाइना से। दूसरा था पोलैंड की कैपिटल क्या है, तो पोलैंड की कैपिटल है फ्रेंड्स वर्सो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही रहे हैं। और आज का हमारा कमेंट है, मेरे प्रभु राम, बहुत प्यारा सा नाम रखा है आपने, एंड वेणु गोपाल। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब इसी तरह से इसी सीरीज़ में हम आज भी बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? सेकंड क्वेश्चन देखिए, US इंडिया टैक्स फोरम जो है, उन्होंने किसे अपने फोरम का नया हेड यानी नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जल्दी से फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अलग इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।